विदिशा जिले के सिरोंज में कोरोना संक्रमण को लेकर शासन प्रशासन के अलावा धर्म गुरु भी अपने अपने स्तर पर अपने अनुयायियों को इस संक्रमण से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे निर्देशों का पालन कर रहे हैं और वहीं पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी के चलते जहां प्रधान पुजारी नलिनी कांत शर्मा ने मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को सुरक्षित और मास्क पहनकर घर में रहने की हिदायत दी है, वहीं मौलाना गाजी वली अहमद वली चिश्ती ने खबर मध्य प्रदेश से बात करते हुए मुस्लिम समाज से घर में रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। इस समय हम मौजूद हैं जमीयत उलमाए हिंद मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब गाजी वली अहमद साहब के पास। मैं ना जानना चाहेंगे जो आजकल जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें क्या आप पैगाम देना चाहेंगे मुस्लिम समाज को? सलामत की निशानियों में हमारे प्यारे हबीब अल्लाह के प्यारे और सच्चे लाडले रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें ये इत्तला दे दी कि ऐसी बीमारियां पैदा हों कि जो लाइलाज हों, समझना करीब कयामत करीब आ गई। जब अमवात की कसरत हो, समझना कयामत करीब आ गई। मैंने सुना है कि ये बीमारी जब से फैली है अमवात की बड़ी ज़बरदस्त कसरत हो रही है, तो ये एक अल्लाह का अज़ाब है। अब इसकी दो शक्लें हैं, हमारी हुकूमत हमें जो मशवरे दे रही है हम उसको भी तस्लीम करें, और हुकूमत की मदद करने की दूसरी शक्ल जो मैंने SDM ऑफ लेटरी से टेलीफोन ही पर बात करते हुए मैंने कही थी, मैंने कहा आपकी दो शक्ल, आपकी बातें मानने की दो शक्लें, एक हम हमारे मजहब अनुसार आपके फरमान की पूरी पूरी इताअत करें, लेकिन हमारा जो मजहबी एक मकाम है, मैं सिरोंज का बाज़ाब्ता मुफ्ती हूँ जिसको धर्मगुरु हिंदी जबान में कहा जाता है, हमारे मजहबी फराइज हैं उसके अनुसार, उसके लिए हम आपकी गुजारिश करते हैं कि आप कोई प्रार्थना सभाएं, कोई दुआइया मजालिस मुनक्किद करें और इसके इख्तिताम और इससे अल्लाह से पनाह मांगें, इसके लिए लोगों को मुतवज्जे करें, अल्लाह की तरफ बुलाएं, खाली घरों में बैठ जाने से या ये तो इसका मतलब हम उसका मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो दवाएँ डॉक्टर और हकीम बता रहे हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, उन तदाबीर को ज़रूर इख्तियार करें, इसलिए कि उन्होंने ये बताया हाथ धो। हमारे मजहब में हम मुसलमान अगर सही मुसलमान बनता है तो दिन में कम से कम 5 दफा नमाजों में तो उसको हाथ धोना ही धोना है, पेशाब से फारिग होकर आए हाथ धोए, पखाने से फारिग होकर आए हाथ धोए, खाना खाने बैठे हाथ धोए, खाना खा के चुके हाथ धोए। जब इतनी दफा हम खुद हमारा मजहब में हाथ धोने को कह रहा है और हाथ धोना इसका इलाजों में से एक इलाज है तो यकीनन उससे इंशाल्लाह ये फायदा होगा। लिहाजा मैं तमाम बिरादरान वतन को, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है या मुशाहिदीन जो मेरी बात सुनकर मुझे देख रहे हैं मुशाहिदा कर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह से इनाबत इख्तियार करें, अल्लाह से डरें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। हिंदू भाई भी वो संस्कृत में अल्लाह को पुकारते हैं, वो भी उसी अल्लाह से मांगते हैं जिस अल्लाह से अरबी में अल्लाह के मांगते, वो भी उसी को जगदीश्वर है करतार तू है करुणा का भंडार कहते हैं। उनको भी चाहिए कि अपने मजहब के तरीकों के मुताबिक अपने खुदा को राजी करने की कोशिश करें, वो नहीं अपने गुनाहों को छोड़ें, अपनी गलतियों को छोड़ें, जुल्म करना छोड़ें, अपने महल्ले में देखें कितने गरीब हैं। इसके साथ साथ ही ये इस वक्त हालात ऐसे हो गए, एक वो आदमी जो रोजाना मजदूरी करके 300 रुपये रोज कमा कर अपने घर के बच्चों का पेट पालता है, हमने ये पेरबंद लगाकर ये कर्फ्यू लगाकर उसकी उस पर पाबंदी की है, तो अब हमें अपनी हुकूमत का साथ देना है। हम हुकूमत के हैं, हुकूमत हमारी है, हुकूमत पर हम पर कोई संकट आएगा हुकूमत को चाहिए हमारा तआवुन करे, और हुकूमत पर संकट आता है हम उसका तआवुन करें। हमारे वो लोग जिनके एक वक्त अपने खाने से ज़्यादा है वो अपने गरीब को महल्ले में खाना पहुँचाएं, हिंदू भाई को भी पहुँचाएं, मुसलमान भाई को भी पहुँचाएं, जो हमारा पका हुआ खा सकते हैं उनको पका हुआ खिलाएं, जो सूखा खा सकते हैं उनको सूखा खिलाएं, उसकी बेहतरीन मिसाल। इसलिए मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि तदबीर जो हुकूमतें बता रही है उसको भी हम इख्तियार करें और अल्लाह से डरने वाले रास्ते अपने गुनाहों से तौबा करें, नमाजें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह ये बला ज़रूर दूर होगी, मेरी दुआ भी है और मेरी तमन्ना भी। तो ये थे हज़रत मौलाना गाजी वली अहमद साहब वली चिश्ती जो मानवता का भी संदेश दे रहे थे और साथ में अपने ईश्वर से ताल्लुक़ बढ़ाने का भी एक तरह से संदेश दे रहे थे। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिरोंज से मोहम्मद फरहान। सर्वे भवन की सुविधा सर्वे संकुल रहा गया सर्वे भद्रा परिषद को ना करके तुम पार हो कोई तो भी हो किसी को पर कष्ट ना आए सभी घर में भी रहे तो 4 फुट की दूरी बना के रखे और अपने मुंह पर मास्क लगाए बार बार जल से हाथ धोए सैनिटाइज
कायम करे, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं और हम भी आपके प्रधान पुजारी के नाते सबसे कड़वत प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर पे कोई ना आए, अपने घरों में रह करके माता जी पूजा आराधना करें, घरों में भी रह करके चार फुट की दूरी सभापति बनाया गया जिससे माँ दुर्गे महारानी हम सबकी रक्षा करे और संपूर्ण विश्व स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। इस बार मैया आपके घर घर पधार रहे हैं, इसलिए मंदिरों में न पहुंचे, मंदिरों में भीड़ इकट्ठी न करें, अपने स्वास्थ्य की स्वयं रक्षा करें, ऐसी हमारे सतर्कों से कार्यवत प्रार्थना है। और हम तो प्रधान पुजारी के कारण माँ से सभी भक्तों के कल्याण की प्रार्थना दोनों समय करेंगे और अपने स्वयं की रक्षा अपन को खुद करना है, इसलिए मंदिरों में भीड़ भाड़ बिल्कुल कदापि न लगाए, ऐसी हमारी कर्मवत प्रार्थना है। माँ जनता कल्याण करे, इस बड़ी व्याधि से निवारण करें, ये बड़ी बीमारी दूर हो, महामारी दूर हो, सब भक्तों की रक्षा करें, ऐसी हमारी माँ से प्रार्थना है। और बार बार निवेदन है कि दरबारों में मंदिरों में भीड़ बिल्कुल न लगाए, जल चढ़ाने न जाए, दर्शन करने न जाए, घरों में माँ की आराधना करे, एक मुठी गेहूं के दाने होकर भी आप यदि जो है माँ के रूप में पूजन करते हैं, माँ प्रत्येक घर में जवारे के रूप में बचेंगे और पूर्व में भी हमारे पुरखा इसी प्रकार से माँ की आराधना करना चाहिए। हमारे यहाँ इस चीज की गुंजाइश है कि ऐसे हालात में हम अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिसमें तमाम दूसरे लोगों की फलाह बहबूदी और ख़तरात से और परेशानियों से बचने की कोई तदबीर इख्तियार की जाए तो इसमें शरीयत में कोई ममनू नहीं है और इसकी इजाज़त है। लिहाजा हमारे बड़ों ने और उलमा ने जो फ़ैसला किया है कि कम से कम तादाद में मसाजिद में नमाज़ अदा की जाए, हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह और करवाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से मसाजिद की सफाई सुथराई का और अपने ख़ुद की सफाई सुथराई का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है उस पर भी अमल किया जाएगा इंशाल्लाह और किया जा रहा है। उस सिलसिले में अभी ये कदम उठाया जा रहा है कि जुमे में भी कम से कम